फिल्म और टीवी के पॉपुलर एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिथिलेश ने 3 अगस्त की शाम लखनऊ में अंतिम सांस ली। वह हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। खबरों के मुताबिक मिथिलेश चतुर्वेदी को कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वे अपने होम टाउन लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। मिथिलेश को फिल्म कोई मिल गया में उनकी कास्टिंग का किस्सा काफी दिलचस्प है। दरअसल जब राकेश रोशन अपनी इस फिल्म पर काम कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने फीजा देखी। उसी फिल्म में एक सीन था जिसमें करिश्मा कपूर मिथिलेश के मुंह पर पानी फेंकती हुई नजर आती है। उस सीन में उन्हें देखकर राकेश बहुत खुश हुए। बतौर एक्टर भी उन्हें मिथिलेश काफी पसंद आए थे। इसके बाद एक दूसरे रोल के लिए रवि झाकड़ को बुलाया गया था, तब उन्होंने बताया कि उस एक्टर का नाम मिथिलेश है। इतना जानने के बाद राकेश रोशन ने मिथिलेश को बुलाया और अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। मिथिलेश चतुर्वेदी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1997 में आई भाई भाई से किया था। इसके बाद उन्होंने सत्ता, ताल, फिजा, रोड, कोई मिल गया, गांधी माई फादर और बंटी बबली जैसी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने साल 2020 में आई सीरीज स्कैम 1992 से अपना डिजिटल डेब्यू किया था। फिलहाल मिथिलेश बांछड़ा फिल्म पर काम कर रहे थे। इसके अलावा वे थिएटर में भी काफी एक्टिव थे। उन्होंने प्रेम तिवारी, बंसी कौल, दीनानाथ, उर्मिल थपलियाल और अनुपम खेर के डायरेक्ट किए गए नाटकों में भी काम किया था। तो दोस्तों, मिथिलेश चतुर्वेदी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें।